हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम किरण किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। लौकी अक्सर बच्चे नहीं पसंद करते हैं और उन्हें हमें बहुत ही अलग अलग तरीके से खिलाने का मन करता है कि जो कि उन्हें पसंद आ जाए। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप से लौकी बनाना बताऊंगी, जिससे कि बच्चों को ही और बड़ों को भी, दोनों को ही बहुत पसंद आने वाली है सब्जी। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। लौकी की ये सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई रखनी है गैस पर, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं आप घी खाना चाहते हैं तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, 1/2 छोटे स्पून जीरा डाल देंगे और साथ ही साथ 1 पिंच यहाँ पर हींग डाल देंगे। जीरे को अच्छे से पक जाने दीजिएगा। ये देखिए अच्छे से पक गया। यहाँ 1 मिर्च है और थोड़ा सा अदरक को बारीक चॉप किया है, इसको डाल दिया है। देखिए हमारी ये जो अदरक है वो भी पक गई है। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ बेसन है, भुना हुआ ही बेसन यूज करिएगा, और इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है इस टाइम पर हमें। 3-4 करी पत्ता डाल देंगे, और अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि ये बेसन यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ा सा थिक ग्रेवी बनेगी। अब इसमें डाल देंगे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून सांभर मसाला। जी हाँ, यहाँ पे सांभर मसाले का यूज कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मसालों को अच्छे से भून लेंगे, साथ ही साथ इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर है तो जरूर डालिएगा। इसको ही मिक्स कर देंगे। 1 मीडियम साइज का पोटैटो है, इसको डाल देंगे। इससे बच्चों को ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं यहाँ पर पोटैटो को, तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको 1 मिनट के लगभग भूनेंगे मसालों के साथ में। 1 मिनट हो गया है, इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और लिड लगा के हमें इसे 2 मिनट पकाना है। पानी में देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स, मैंने 2 टमाटर की ये प्यूरी बना ली है, मिक्सी के जार में डाल के इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसके साथ में, और हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसे तेल जो हमने घी डाला है वो सेपरेट होने न लगे। तब तक हमें इसे पकाना है, तो गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम ही रखिएगा। और इसमें अब डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 स्पून ही धनिया पाउडर यूज करना है यहाँ पर। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे ढककर हमें पका लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है, और बीच में 1-2 बार और इस तरह से मिक्स किया था, तो बहुत ज़्यादा हमने घी का यूज़ नहीं किया। हल्का हल्का यहाँ पे देखिए घी रिलीज होने लगा है, बस इतनी स्टेज तक हमें पकाना है। आलू भी इसमें पक गई है अच्छे से। तो अब हमें इसमें ऐड करना है ग्रेट की हुई लौकी। इस बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर ग्रेट करके आप इसे यूज़ करेंगे, और ये जल्दी पक भी जाएगी ग्रेट करने से। और इस तरीके से इसको मिक्स करते जाए मसाले के साथ में। मिक्स करने के बाद जिस मिक्सी जार में हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी ना, उसी में 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लौकी का यूज़ किया, लौकी पानी अपना रिलीज करेगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, अभी तो और भी अच्छा कलर आएगा जब ये पक कर रेडी होगी। तो बस गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो कर दीजिएगा और इसको मंदी मंदी आँच पे 10 मिनट लगभग पकने दीजिएगा। 10 मिनट हो गया है देखिए, और ऑलमोस्ट हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। तो एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया, 1/4 स्पून ये गरम मसाला पाउडर है, होममेड गरम मसाला है। अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो आप मुझे बताइए कि मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ही कम लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये मसाला बनकर रेडी होता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किया है। और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स किया,
एक मिनट बस ढककर और पकाएंगे। एक मिनट हो गया है और ये हमारी लौकी की सब्जी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं इस टाइम पर। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी की डिफरेंट टाइप की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, स्वाद में बिल्कुल अलग है। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसी ही रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।